हेलो गाइस, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन अ रिक्वेस्ट बाय 3D लर्नर। उसने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि क्या पॉसिबल है इस इंडस्ट्री के अंदर हम अच्छा सैलरी पैकेज गेन कर सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्ट और क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हाईली सैलरीड नहीं है इंडिया के अंदर, बट उसका एक क्वेश्चन था कि क्या इस फील्ड में रहते हुए हम एक हाईली पेड जॉब ले सकते हैं या हम लग्जरी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इन शॉर्ट बताता हूँ मैं चीज़ें, जैसे कि ही वॉन्ट्स टू बाय लग्जरी कार्स, लग्जरी होम्स और कैन अफोर्ड ए लग्जरी लाइफ स्टाइल। इज दैट पॉसिबल इन दिस फील्ड? डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल, बट देर शुड बी अ प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। यू शुड बी कीप फ्यू पॉइंट्स इन योर माइंड टू ग्रो योर सेल्फ, टू इनरिच योर सेल्फ, टू ग्रो योर स्टैंडर्ड लेवल। सो उसके व्यापार पे इफ यू कैन वर्क आउट दिस वे, डेफिनेटली यू कैन अर्न ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज बेनिफिट्स, ऑल दोज पर्क्स विच यू सी इन डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट फील्ड्स जो होता है IIT, IIM या डिफरेंट ब्लाह ब्लाह इंडस्ट्रीज, तो आप ले सकते हैं। एंड वन थिंग जस्ट आई एम गोना डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई रिस्क हाई गेन। दिस मोटो इज रियली बेनिफिशियल इफ यू रियली वॉन्ट टू गेन और यू वॉन्ट टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पहले अगर आपको पता है कि इंडिया में जो सबसे पहला, बिकॉज गेमिंग इंडस्ट्री मेरा एक कोर है तो मैं उसे भी बात करूँगा। सबसे पहला जो गेम डेवलपमेंट स्टूडियो जो आर्ट आउटसोर्सिंग करता था वो था ध्रुव इंटरेक्टिव, जो कि आई थिंक 2014-2016 के आसपास में कहीं उसको स्टार बीज ने परचेस किया था। एंड वो तकरीबन 7 मिलियन USD का, आई एम रीडिंग समथिंग बिकॉज मैंने इनपुट निकाले हैं, तकरीबन 7 मिलियन USD का वो सेल हुआ था, लाइक शेयर गया था, विच इज़ अराउंड 90.5% शेयर। इसी तरह से अगर आपको पता है, ये स्टूडियो बाद में रॉकस्टार ने परचेज किया एंड दे पेड अराउंड $7.9 मिलियन जो कि स्टारबीज से उन्होंने इसको टेक ओवर किया था। द सेम वे कीवर्ड स्टूडियो है जो लक्ष्य डिजिटल हुआ करता था गुड़गांव के अंदर, जो कि अब एक फ्रेंचाइजी है कीवर्ड स्टूडियोज़ की। अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो वो $4 मिलियन में गया था, दैट मीन्स $4 मिलियन के आसपास में, काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। छोड़ देते हैं इंडिया की बात में, इफ़ आई गो टू द बिग ब्रांड्स लाइक एक्टिविजन, अगर आपको पता है तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन को जब टेक ओवर की बात की थी, एंड यू नो द प्राइस एंड ऑल यू नो द थिंग्स, वो $68.7 बिलियन की डील थी। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, यानी कि एक गेम स्टूडियो काफ़ी अच्छी अर्निंग करता है, डेवलपर हाउस बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, बहुत बड़े लेवल तक जाते हैं। तो क्यों, अगर इतनी बड़ी इनकम है स्टूडियोज़ की तो सैलरीज तो बड़ी होंगी, बट डिपेंड करता है कि आपका स्टूडियो कैसा है। आप एक आर्ट आउटसोर्सिंग स्टूडियो में काम कर रहे हैं, एक डिज़ाइनर स्टूडियो में है, या डेवलपर आपके अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि आप पब्लिशिंग खुद करते हैं, तो यहाँ पे सैलरी पैकेज का डिपेंडेंसीज काफ़ी आती हैं। अगर इंडिया की बात करते हैं आप, तो सपोज़ आर्ट आउटसोर्सिंग स्टूडियो इंडिया के अंदर है तो काम आता है बाहर से करने के लिए, तो अगर वही चीज़ आप डेवलपर स्टूडियो के साथ मिलकर काम करेंगे, यू विल गेट अ गुड पे स्केल। दैट्स वाई पीपल यहाँ से छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो यानी कि वो सिंपल घूम फिर के एक ही चीज़ आ गया कि अगर आपको इंडिया को डेवलपर स्टूडियो डेवलपर हमें बनाओगे, अच्छा पैसा कमाओगे। लेकिन अगर उससे बात करते हैं, ठीक है हमें नहीं पता कब बनेगा नहीं बनेगा क्या चीज़ें हैं, बट आई वॉन्ट टू ग्रो माई सेल्फ, मेरे पास क्या रास्ते करने के लिए, देन ट्राई टू फोकस ऑन दिस पॉइंट्स, दीज आर वेरी नेसेसरी। पहली बात सुनो, डिजिटल आर्ट जो है बहुत एक्सपेंसिव है मार्केट में, आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव है, तो मिलियनेयर बनना क्यों आसान नहीं है, बिल्कुल है। सेकंड, किसी भी फील्ड में चाहे वो कोई भी हो, खाली एक सोर्स ऑफ इनकम पैदा मत करो। डोंट स्टे टू जस्ट वन पॉइंट कि आप एक ही चीज़ से सोर्स ऑफ इनकम एस्टैब्लिश कर रहे हो। आपका आर्ट करने का मन ठीक है, बट यू नीड टू ट्राई टू जनरेट मोर सोर्स ऑफ इनकम। थर्ड थिंग, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हैं, तो ट्राई टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कम्पीट करें एंड बेस्ट कैटेगरी में जाने की कोशिश करें, क्योंकि जो अच्छी पे स्केल है वो बेस्ट लोगों को प्रोवाइड होती है, तो फिर वो आपकी पे स्केल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर आप किसी स्टूडियो में वर्क कर रहे हैं एंड आपका जो वर्क लाइक स्टाइल है वो एक सटल है, वो बहुत अग्रेसिव नहीं है, बहुत अच्छा मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, तो आपके जैसे बहुत सारे सब्सिट्यूट हैं, उस केस में क्या है कि सैलरी पैकेज में आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट यू हैव समथिंग एट वेरी एडवांस लेवल जो मार्केट में ढूंढने में मिलता भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है आपका पैकेज बेटर होगा। डेवलपर्स आपको हायर करेंगे, क्रिएटिव स्टूडियोज़ आपको हायर करेंगे, आप मूवीज़ के कॉन्सेप्ट या गेम्स के कॉन्सेप्ट में काम करेंगे, ऑब्वियसली बात है, तो आपका पे स्किल बढ़ेगा। इस चीज़ को आप आर्ट इंडस्ट्री में बहुत ध्यान रखें, डेवलपर हो, डिज़ाइनर हो, कोडर्स हो या आर्ट हो, अपने फील्ड की बात करता हूँ। फोर्थ पॉइंट,
फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना सीखें। प्रिडिक्शन बहुत ज़रूरी है। आप जो काम कर रहे हैं वो नेक्स्ट जन के लिए कर रहे हैं, यानी कि आप जो आर्ट बना रहे हैं उसको आर्ट को सोच के ही काम करना है, या आप जो भी डिजाइनिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप सपोज़ एक डेवलपर स्टूडियो में डेवलपमेंट की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, आपको सोच के करना है कि जो मैं प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ मेरी फ्यूचर जनरेशन यूज़ करने वाली है, तो आपके जो इनपुट्स हैं टीम के अंदर, क्योंकि जब तक आपको टीम या सीनियर्स लोग आपको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि यार ये बंदा तो ज़बरदस्त सोचता है, तो ब्रेन लेवल अपर है, ये तो टीम के लिए बहुत कोर स्ट्रेंथ वाला बंदा है, इसके इनपुट्स बहुत अलग लेवल पे होते हैं, तब तक आपको अच्छा एक नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर आप सटल ग्रोथ पे चलेंगे तो नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या है, फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना है, नेक्स्ट लेवल पे जाके सोचना है। आप अपने अंदर एबिलिटीज इनपुट्स करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी हाइक होगा, अच्छा होगा, बाहर से भी कॉल आएंगे, बाहर निकल सकते हैं। पांचवा पॉइंट, डोंट बी अ डोंकी या स्नेल एट वर्क, कोशिश ना करें, बिकॉज आप देखो पीपल लाइफ में समय क्या हो गया हर लोगों का, they want everything very fast, feeding fast है, like you want to feed the data very fast. Second, आपको करोड़पति भी बड़ी जल्दी बनना है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 25 साल में बनोगे तो नहीं, आपको 2-3 साल के अंदर बनना है, इट मीन्स यू वॉन्ट एवरीथिंग वेरी फास्ट, तो आपके काम के प्रोसेस में भी होना चाहिए लर्निंग फास्ट हो, अडेप्टिवनेस फास्ट हो, आउटपुट फास्ट हो, वो आपको भी अडेप्ट करना चाहिए सारी। एंड प्रोड्यूस फास्ट करो, रिजल्ट को प्रोड्यूस बहुत फास्ट करना है, ट्राई फास्ट करना है, फेल फास्ट होना है, एंड चीज़ों को स्किप क्विकली करना है, जिससे कि आप नेक्स्ट स्टेप पे फटाफट जाओ और आपकी लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा बने। देन माय सेवंथ पॉइंट इज दैट, सिक्स मैंने अभी बता दिया है, बस काउंट नहीं किया था, सेवंथ पॉइंट इज दैट, खाली एक चीज़ पे लर्निंग पे स्टिक मत रहना। सपोज़ आपको एक टैलेंट है, आपके अंदर एक स्किल है, आप एक चीज़ सीखते हैं, आप उसी के लिए अपनी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, बट अपने को उसी एक स्किल में बाउंड नहीं करना है, बिकॉज एक स्किल सेट मतलब सफिशेंट नहीं है, आपको स्किल सेट ग्रो करने हैं, जितना सीख सको मल्टीपल चीज़ें सीखो, उससे ब्रेन आपका ज़्यादा डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूसिंग लेवल एंड आउटपुट लेवल आपके बहुत डेवलप होंगे। वो खाली आर्ट की बात ही नहीं है, डिज़ाइन की बात नहीं है, डेवलपमेंट की बात नहीं है, मैनेजमेंट की बात नहीं है, टेक्निकल बात नहीं है, इट्स ऑल ओवर, ये रूल हर जगह अप्लाई होगा, लर्न मोर देन वन थिंग। एट थिंग, ग्रेटिट्यूड लर्न करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ए गुड रेस। अगर आपको फ्यूचर में अप्रेजल चाहिए या आपको लोगों से अच्छे चाहिए, पहला कनेक्शन बिल्ड करना सीखो, कनेक्शन में रिस्पेक्ट होती है, ग्रेटिट्यूड करो, हर किसी में पॉजिटिविटी ढूंढो, और ये सबसे हार्ड पार्ट है, यहाँ पे 95% लोग फेल हो जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जब उनके अंदर सॉफ्टनेस, ग्रेटिट्यूड या रिस्पेक्ट या दूसरों की पॉजिटिविटी देखने की आदत नहीं होती है, तो सीनियर लोग जो कि बहुत मेहनत से वहाँ तक पहुँचे, जिनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो ऐसे लोगों को अप लेवल पे पुल ही नहीं करते हैं। बिकॉज एक कंपनी जब चलती है बड़े लेवल पे, इफ़ यू सी वेरी लार्ज कंपनीज इन अराउंड द ग्लोब, दे वर्क ऑन एथिक्स, और सीनियर के जो एथिक्स हैं, हम्बलनेस है, ग्रेटिट्यूड है, वो अपर लेवल पे होता है। कुछ जगह अगर सिनारियो लोगे, आपको लोग मुझे कोई कमेंट में एग्जांपल देगा, नहीं देखो वो तो ऐसा था ऐसा था, कुछ केसेस हो जाते हैं, बट अगेन आई एम टेलिंग कि ये भी पर्सन टू पर्सन चीज़ों को लेने का तरीका है। किसी को किसी पर्सनैलिटी के अंदर आपको बहुत हम्बलनेस नज़र आ सकती है, बहुत अच्छाई दिख सकती है, किसी पर्सनैलिटी में आपको नहीं दिखेंगी, और दो लोगों को एक सिंगल पर्सनैलिटी में सेम चीज़ नहीं दिखती है, बट आपको दूसरे की सिर्फ पॉजिटिविटी अडेप्ट करनी है, जस्ट द पॉजिटिव थिंग, ये आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होगा इंडस्ट्री के अंदर। नाइन्थ पॉइंट, डोंट कंप्लेंट अबाउट एनीथिंग, कंप्लेंट की आदत छोड़ दो, बैक बिचिंग की आदत छोड़ दो, बिकॉज मार्केट में किसी भी मार्केट के अंदर नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, इवन आप भी परफेक्ट नहीं है, और ना ही कोई बंदा परफेक्ट बन सकता है। एवरीवन इज ट्राइंग टू बी परफेक्ट, हर कोई बेस्ट बनने की कोशिश कर रहा है, उसी से उसका ग्रोथ हो रहा है, बट आप ये बिलीव रखो या खुद में सोचो कि आप सबके लिए परफेक्ट हो, पॉसिबल ही नहीं है, और सबके लिए परफेक्ट बनना भी नहीं है, बिकॉज एज यू नो एवरी ब्रांड या जो ग्रोप जितनी ब्रांड्स हैं वो हर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती हैं, उनके बहुत कुछ फेथफुल कस्टमर होंगे, कुछ के नहीं होंगे, कितना भी अच्छा करें, तो यू कैन नॉट बिकम अ परफेक्ट पीस फॉर एवरीवन। तो उस पार्ट को छोड़ दो, आपको अपने अंदर जो चीज़ दिख रही है कि आई कैन बी परफेक्ट इन दैट सेंस, और आपका जो टारगेट है फ्यूचर का, लाइक आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू अचीव दिस थिंग, दिस इज माई गोल, टू अचीव दिस गोल आई नीड टू डू दीज एफर्ट्स, इस एफर्ट्स में अगर किसी को मेरे अंदर पॉजिटिविटी दिख रही है, अडेप्ट करनी है, देन इट्स गुड, नहीं करनी है ठीक है, मेंटेन द गैप, इवन डोंट डू बैक पिचिंग एट ऑल, क्योंकि उसका रास्ता अलग है, आपका अलग है, उससे जो सीखने को मिलता है सीख लो एंड देन गो कैरी फॉरवर्ड। ये आपको फ्यूचर में बिल्ड करने बहुत काम आएगा, क्योंकि सीनियर्स पर्सनालिटीज़ किसी भी स्टूडियो में किसी भी आर्ट वर्ल्ड के अंदर ऐसे बिल्ड होती हैं, और उनको एक स्टूडियो, एक डेवलपर हाउस,
उतना पे प्रोवाइड करता है जितना उनको चाहिए होता है, या मतलब सेटिस्फैक्ट्री पे मिलता है उनको, बट वो स्किल्स में आने के लिए खाली आर्ट काम नहीं आती, ये डिज़ाइन काम नहीं आता, आपकी स्टोरी राइटिंग काम नहीं आती, स्टोरी बोर्ड काम नहीं आता, बिकॉज एट दैट लेवल यू आर नॉट जस्ट प्रोड्यूसिंग द स्किल्स, यू आर मैनेजिंग द टीम, एंड टू मैनेज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ क्राउड, यू नीड टू बी वेरी हम्बल, आपका ग्रेटिट्यूड लेवल अपर होना चाहिए. तो फॉरगेट अबाउट दिस पीपल हु आर जस्ट बैक बचिंग, थोड़ो मेंटेन कैप एंड गो कैरी फॉरवर्ड. द 10th पॉइंट, लर्न टेक्निकल, चाहे आप आर्टिस्टिकल क्यों ना हो. टेक्निकल ऐसा एस्पेक्ट है जो ब्रेन के आई थिंक न्यूरोन्स को डेवलप करता है. टेक्निकल और इंजीनियरिंग जो है आपके ब्रेन में एक ओपननेस क्रिएट करती है. तो आप आर्ट भी करते हैं, बहुत आर्ट है, सोफिस्टिकेटेड है, बहुत आर्टिस्टिकल है, यू जस्ट वॉन्ट टू ड्रो द थिंग्स, यू वॉन्ट टू जस्ट स्कल्प्ट द थिंग्स, स्टिल आई वुड से लर्न टेक्निकल, बिकॉज आपका ब्रेन एक्सपेंड होगा एंड यू विल फाइंड मोर पॉसिबिलिटीज इन टू द वर्क, जो आपके काम को और एक फास्ट पेस में और एक इंजीनियर वे में प्रोड्यूस करेगी, जो कि फ्यूचर जनरेशन की डिमांड है. 11th पॉइंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन इन एनी सेंस. एजुकेट करने के लिए अपने आप को, एजुकेट मतलब ये नहीं आपको बुक्स में एजुकेट करना है, गेम्स की नॉलेज में एजुकेट करना है. एजुकेट मतलब अगर आपको सपोज कुछ चीज़ सीखनी है, आपको लग रहा है कि कोई पर्सनैलिटी आपको कुछ चीज़ सिखा रही है, या आपको लगा किसी इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज या आई एम वगैरह ने कोई कोर्स लॉन्च किया है जो आपसे मिलता जुलता है, जो आपको स्किल सीखनी है वो वहाँ से आ रहा है, स्टिल यू आर इन डाउट कि हो सकता है यार ये कोर्स इतना वर्दी ना हो, तो आप डाउटफुल में हैं. बट आई वुड से ऑलवेज इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू एडुकेट योर सेल्फ इन ए बेटर वे इन एनी सेंस, बिकॉज वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी. और एक नॉलेज ही ऐसी चीज़ है, एक इन्वेस्टमेंट आई वुड से एजुकेशन पे एक ऐसी है जो रिटर्न इंटरेस्ट पे देती ही देती है. और ये ऐसा स्किल सेट है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता. मार्केट में कुछ भी हो जाएगा, आपके स्किल्स जितने डेली इंप्रूव हो रही हैं वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, और उसी के बेस पे आप इंडस्ट्री में काम करते हैं. इवन सपोज फ्यूचर में आपको अपना एस्टेब्लिश करना है, स्टिल यू नीड दोज स्किल सेट. तो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना, किसी भी वे से कैसे भी एडुकेट करना अपने आप को, कुछ भी लर्निंग में करना करो, उसको मत छोड़ो. एंड लास्ट विच इज़ द 12th पॉइंट फॉर मी, अपने काम में करते हुए इसी फील्ड के अंदर बी कंसिस्टेंट. स्विचिंग जो करते हैं, स्विचिंग करना मतलब कंपनी स्विचिंग की बात नहीं कह रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्विच करना. जैसे कि आज आपको कुछ चीज़ पसंद आ रही है करना, आपने 6 महीने में देखा दूसरा बंदा ये कर रहा है, मुझे तो अब ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको ट्राई करता हूँ. अभी ऐसा नहीं करना है, जब तक एक चीज़ के अंदर परफेक्शन नहीं पहुँच जाती तब तक तो नहीं करना है. हाँ, लर्निंग मैंने कहा ना, बहुत सारी चीज़ करनी है जो आपको लग रहा है कि मैं इस लेवल पे 75-80% कहीं आ गया हूँ, 85% के साथ पहुँच गया हूँ, देन आप अब उसको रिफाइन करते रहो, क्योंकि 100% कभी कोई नहीं पहुँचता. एंड स्टार्ट लर्निंग द सेकेंड थिंग, देन सेकेंड में वहाँ पहुँच जा रहे हो, स्टार्ट लर्निंग द थर्ड थिंग, वो स्टॉप नहीं करना है. और किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए मनी के एस्पेक्ट को फॉरवर्ड नहीं करना है कि अगर मैं इसमें इतना लर्न किया या मैंने इस पर ऐसा किया तो कल को मैं इसमें इतना ज़्यादा कमाऊँगा, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज़्यादा है. जैसे कि अभी अगर आप पेरेंट्स से पूछोगे तो हर किसी कहना है मैं अपने बच्चे को उतारूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, बहुत तगड़ा फ्यूचर है उसका. फ्यूचर तो हर चीज़ का है, मुंबई में टिफिन वाला ने कहाँ तक बिजनेस खड़ा किया है, तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे जिन्होंने कहीं से कुछ करके बहुत कुछ किया है. तो फ्यूचर हर चीज़ में सिक्योर है अनटिल यू हैव ए पैशन विद दैट थिंग, जब तक नहीं है. तो मनी से अपने ब्रेन को रिफ्रेन नहीं करना है, स्किल्स डेवलप होंगी, वो ऑटोमेटिक आपकी जनरेट हो जाएगी 100% फॉर श्योर. द फैक्टर ऑफ हाई रिस्क, अगेन लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. सपोज यू हैव अ सेविंग अकाउंट इन अ बैंक, तो यू नो दैट यू आर गेटिंग अराउंड 6% इंटरेस्ट रेट पर ईयर. तो बिकॉज योर मनी इज वेरी लाइक यू हैव वेरी योर मनी इज सिक्योर, आपका पैसा बहुत सिक्योर है बैंक के अंदर. उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे वो यूज़ करना है, वो आपको उसका पे बैक कर रहे हैं 6% पर आने के हिसाब से. आपका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कुछ भी हो मार्केट के अंदर, मार्केट में कुछ भी है, इन्फ्लेशन आ रहा हो, डिफ्लेशन, मतलब कुछ भी हो रहा हो, डजेंट इवन मैटर, आपका पैसा सेफ आपको मिलेगा. नाउ यू कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सपोज आपने प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी में रिस्क फैक्टर हल्का सा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्का सा बढ़ जाता है, स्टिल यू हैव मनी सिक्योर. कहाँ पे दिक्कत है? प्रॉपर्टी के पैसे को लिक्विड करने के लिए, लिक्विडेशन में एफर्ट सकते हैं. आपने कुछ चीज़ खरीदा है, इवन इफ यू आर सीन इन योर फैमिली समटाइम यू बाई सम प्रॉपर्टी एंड यू वॉन्ट टू सेल इट, बट आपको जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उसको सेल करना है या कुछ करना है, इट्स नॉट ईजी टू डू. तो आपका एक अमाउंट ब्लॉक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लेवल पहले इसके लिए बढ़ जाता है, या फिर आपको एकदम डिमांड पे उस रिक्वायरमेंट फंड की जरूरत है तो वो एकदम से नहीं मिल पाएगा, यू नीड टू वेट. थर्ड सेक्शन, इफ यू कम टू द स्टॉक मार्केट,
स्टॉक मार्केट में आप गेन ज़्यादा है तो रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा लोग आम बंदे तो बचते हैं खेलने के लिए, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं अभी इस बारे में बात नहीं करता। देन गोज टू द फोर्थ पॉइंट विच इज क्रिप्टो करेंसी। बहुत हाई रिस्क है, बहुत हाई गेन है। ये जो फोर फंडाज हैं ये रियली में लाइफ के अंदर भी एग्जैक्टली ऐसे ही एप्लीकेबल हैं। When you are learning something, you are educating yourself in very early stage, or you are choosing a very good college or school or something you are doing a very good level, you need to pay a very good amount of money to do that. Even suppose you want good resources to do something, aapko 3D karna hai, mai come to the very short part gaming mein, and you want to be game artist, designer, developer, and suppose artist mein aapko 3D karna hai and you want to do characters or weapons or something, you need good resources, jo ki they need a good money. अगर आपने वो इन्वेस्ट नहीं किया आप उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे जिस लेवल पे वो आर्ट जानी चाहिए। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जिस समय आप एप्लीकेशन करेंगे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे किसी फर्म के अंदर, यू आर नॉट गोइंग टू गेट ए गुड अमाउंट ऑफ पे बिकॉज आपके पोर्टफोलियो में गुड अमाउंट ऑफ वर्क स्पीक नहीं हो रहा है। तो रिलेशन हुआ, लेकिन अगर आपने एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया होता एंड यू आर डूइंग ए वेरी गुड आउट वर्क तो आपको स्टूडियो भी एक अच्छी सैलरी पे करता है एक बहुत छोटे एस्पेक्ट में। बट लाइफ में अपने को एजुकेट करने में या फिर आपको कुछ स्टार्टअप करने में या कोई ऐसी चीज़ रिस्क लेने में जहाँ पे आपका हाई गेन हो सकता है तो डेफिनेटली वहाँ हाई रिस्क होगा। इसको लेने की कैपेसिटी को दिन पे दिन डेवलप करें। द पॉइंट्स विच आई डिस्कस्ड राइट नाउ इन द वीडियो रिलेट टू दैट लेवल कि यू आर गेनिंग एंड एनहेंसिंग योर मेंटल लेवल कि आप ऐसी कंडीशन में भी आने के लिए तैयार हैं एंड यू कैन मैनेज दैट थिंग। और जब आपका मैनेजमेंट स्टार्ट स्ट्रॉन्ग होगा देन यू कैन डू दैट। आई थिंक यू गाइस गेट द आंसर, 3D लर्नर आपको आंसर मिल गया है। दिस वॉज द थिंग विच आई थिंक यू वॉन्ट टू लिसन। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।